साथियों, कोई भी रोग, विकार या व्याधि हमारे इस स्थूल शरीर, जिसको कि हम आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इससे कई पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में अपना प्रवेश करता है और धीरे धीरे वो लक्षण के रूप में हमारे स्थूल शरीर में प्रकट होने लगता है। इन दिनों हमारे इस चैनल साधना सिद्धि पर, जो कि पूर्ण रूप से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समर्पित है, उनके उपायों को समर्पित है, हम ऐसी ही एक व्याधि, एक विकार, जो कि बहनों को खास तौर पर उसका सामना करना पड़ता है, जी हां, हम गर्भपात की चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आपका तुला लग्न है और आप भी लगातार बार बार गर्भपात का शिकार हो रही हैं, कोई भी दवाई कारगर नहीं हो रही, लगातार आपको निराशा हो रही है, तो ये एपिसोड तो आपको देखना ही है। और यदि आपका लग्न कोई और है तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जाकर के आप विस्तार से देख सकें। और इतना ही नहीं, बेहद आसान सा उपाय, जो कि हमारे अभियान का हिस्सा है, कि ऐसे उपाय जो कि आप अपने घर बैठे कर सकें, स्वयं कर सकें, बिना किसी की सहायता के कर सकें, और चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में बदलाव हो। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, तुला लग्न पर हम चर्चा करते हैं। ये एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका है, 7 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, और 7 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही हम इसको तुला लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। मैंने जैसे कि पहले सूक्ष्म शरीर की चर्चा की, क्योंकि ये तुला लग्न की बहनों के साथ में सर्वाधिक समस्या होती है। जैसे ही उनको गर्भ अवस्था होती है, मैं ऐसी बहनों की खास तौर पर चर्चा करना चाहूँगा जिन्होंने बिना कुंडली मिलाए या केवल गुण मिलान करके विवाह किया है, तो गर्भ अवस्था शुरू होते ही उनको मानसिक व्याधि प्रारंभ हो जाती है। उनको ऐसा दिमाग में रहता है कि कहीं मेरा गर्भपात तो नहीं हो जाएगा, और ये जो इनका डर है, ये ज़्यादातर मामलों में 3rd माह में जाकर के एक प्रकार से डर जो है वो एक्चुअल में संपूर्ण हो जाता है, परिणत हो जाता है। ब्लीडिंग की इनको अचानक से समस्या आती है और वो गर्भपात की जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो कन्फर्मेशन हो जाता है। गर्भ अवस्था के जो 3 महीने हैं प्रारंभिक, उसमें ये ठंडा गर्म महसूस करेंगी, इनको पता ही नहीं चल पाएगा कि दरअसल इनको ठंड लग रही है या फिर इनको गर्मी का एहसास हो रहा है। तो गर्भाशय में विकार के सारे कारण हैं। कुछ ज्योतिषीय कारणों की हम चर्चा करते हैं। जन्म पत्रिका आप अपने हाथ में ज़रूर लेकर के उस पर ध्यान से विचार कीजिएगा, और अंत में जो आपको उपाय बतलाए जाएं वो भी आपको अवश्य ही करने चाहिए। पंचम भाव, जो कि गर्भाशय का भाव है, जब गर्भाशय के बनावट की प्रश्न हो, गर्भाशय में किसी प्रकार के विकार की, गर्भाशय की कमजोरी की बात हो, तो हमें पंचम भाव पर दृष्टिपात करना होता है। समस्या बेसिकली जो गर्भपात की है वो गर्भाशय से ही जुड़ी हुई है। गर्भाशय कमजोर है, इस कारण से जैसे जैसे शिशु का, जो गर्भस्थ शिशु है, उसका वजन बढ़ता है और उस वजन को वो सहन नहीं कर पाता और गर्भाशय से गर्भपात हो जाता है। यदि पंचम भाव में किसी प्रकार का पाप ग्रह है, खास तौर पर इस जन्म पत्रिका में यदि राहु देव विराजमान है या केतु देव विराजमान है या मंगल जैसा या सूर्य जैसा कोई क्रूर ग्रह विराजमान है, तो इनकी दशा, अंतरदशा में जो भी ये गर्भधारण करती हैं, वो गर्भपात इनका सामान्य तौर पर 3rd माह में हो जाता है। ये जो बहन है, इनकी विद्या भी पूरी नहीं हो पाती, विद्या में किसी न किसी प्रकार की इनको रुकावट हमेशा आती रहती है, आकस्मिक लाभ इनको जीवन में कभी नहीं मिलता। आकस्मिक तो छोड़िए, जो ये
संघर्ष करती हैं, मेहनत करती हैं, उनका भी पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता। एक और इनकी विशेषता है कि जब ये पहली बार गर्भधारण करती हैं तो किसी कारणवश कि अभी तैयारी पूरी नहीं है, अभी हमारी प्लानिंग कुछ और है, तो ये स्वयं गर्भपात का सहारा ले लेती हैं किसी डॉक्टर के पास में जाकर के, और फिर अगली बार इनको कंसीव करने में समस्या आती है या फिर जो गर्भ है वो तीसरे माह में इनका गिर जाता है। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश जो कि शनिदेव हैं वो यदि तृक भावों में जाकर के बैठ जाए, छठे भाव में, आठवें या बारहवें भाव में, तो ऐसी जो बहन है इनकी सोच भौतिकवादी सोच होती है, जरूरत से ज्यादा मटेरियलिस्टिक इनकी सोच ये शनि कर देता है, और शनि इनको चिड़चिड़ा बनाता है क्योंकि संघर्ष का परिणाम इनको सही समय पर नहीं मिल पाता। हालांकि ये बार बार गिर करके खड़ी होने का मादा रखती हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति की ये होती हैं, परंतु फिर भी शनि जो है अपना कार्य तृक भावों में यही करता है, खासतौर पर तीसरे माह में इनके गर्भपात कराने का वो कार्य करता है। साथियों तीसरी स्थिति है पंचमेश शनिदेव यदि अस्त अवस्था में आ जाए, यदि वो इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव के साथ में युति करके कहीं पर भी विराजमान है, तो सूर्य और शनि वैसे भी आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं और यहां पर शनि देव हो जाते हैं अस्त। ऐसी जो बहन है खासतौर पर सूर्य की या शनि की दशा अंतरदशा में अंतरजातीय विवाह की तरफ आकर्षित होती हैं और उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं होती है, स्वयं ने ही जीवन साथी चुना है फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाती, गुप्त शत्रुओं से वो सदैव घिरी रहती है, ऐसे लोगों पर जिन पर वो आंख मूंद कर विश्वास करती हैं वो ही उनके विश्वास को तोड़ने का कार्य करता है। शनि जब अस्त अवस्था में होता है तो व्यक्ति जहां पर बोलना चाहिए वहां पर मौन धारण कर लेता है और जहां पर मौन रहना चाहिए वहां वो बोल पड़ता है। यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव नीच राशि के हो जाए अर्थात मेष राशि में सप्तम भाव में आकर के वो बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति को परम असंतुष्ट बना देता है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर ले, कुछ भी कर गुजरे, परंतु वो संतुष्ट नहीं हो पाता। इनका जो जीवन साथी है इन पर अत्यधिक क्रोध करता है और जीवन साथी के इस तानाशाही पूर्ण रवैये, इस क्रोध के कारण कई बार ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आकर्षित होते देखे जाते हैं और गर्भपात की जो समस्या है वो भी यहाँ पर निश्चित तौर पर इनको हो जाती है। यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में शून्य डिग्री के हो जाए या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाए तो सफलता तो इनको अवश्य मिलती है परंतु बहुत संघर्ष के बाद अंत में जाकर के इनको सफलता मिलती है। इनके समक्ष तो कोई इनकी बुराई नहीं करेगा परंतु पीठ के पीछे अपने ही लोग इनकी बुराई करने का कार्य करते हैं। इवन इनको अपने मायके वालों का भी सपोर्ट अपनी समस्याओं में जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है और स्त्रीजन्य रोगों से, गुप्त रोगों से भी इनको खास तौर पर शनि की दशा अंतरदशा में शिकार होना पड़ता है। जन्म पत्रिका आपने देख ली, आपकी जन्म पत्रिका आपके हाथ में है, लक्षण हमने सारे आपको बतला दिए हैं। ऐसी बहनें जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनको भी ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। देशी गौ माता के घी का जितना अधिक आप सेवन करेंगे शादी से पूर्व, जैसे कि आपने एक गिलास दूध ले लिया उसको हल्का सा आप गर्म कर लीजिए, गौ माता का दूध हो और गौ माता का ही घी एक चम्मच आप उसमें मिश्रित करके दिन में एक बार ही सही यदि आप कर लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी गर्भपात की समस्या नहीं आएगी, चाहे ग्रहों की स्थिति कुछ भी हो। पहली बात। दूसरी ऐसी बहन है जो कि वर्तमान में इस समस्या का सामना कर रही है, उनको चाहिए कि वो शनिदेव के अभिमंत्रित जल से, उनके बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित जो जल है वो जल ही आपकी एक एक नस में, आपके एक एक डीएनए में, आपके सूक्ष्म शरीर में, आपके श्वसन तंत्र में जा करके वो कमाल करेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की बीमारी सूक्ष्म शरीर से ही हम दूर कर सकते हैं और हमारे शरीर का जो 75% से अधिक भाग है वो जल ही है। तो इस अभिमंत्रित जल का सेवन गर्भ अवस्था के प्रथम 3 माह में करना इस बात की गारंटी है कि गर्भपात नहीं होगा
और एक स्वस्थ शिशु आपको प्राप्त होगा। तो साथियों आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।